हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। जेमिनी मिथुन राशि बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू डिवाइन। जेमिनी मिथुन राशि, जस्टिस, what do you need to release? It's time to take action. Adjustments are required. Queen of Cups, Devil, Death. Meditation brings answer and यहाँ पर है change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. यहाँ पर भी इस समय हमारे पास जो है सरेंडर टू द डिवाइन है, जो कि मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी। माय डियर सी, यहाँ पर है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट अगेन। बोथ कार्ड्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, यस, यहाँ पर मुझे बिल्कुल डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। ओके, टेक एक्शन माय डियर जेमिनी। इस समय आप जिस भी सिचुएशन से अभी निकल रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले तो आउटकम को कंट्रोल नहीं करो, ठीक है। दूसरी बात, किसी चीज़ को पकड़ कर मत बैठो। यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन पर इस समय जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको डिवाइन पर छोड़ देनी है, उन पर विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज होना चाहती हैं इस वक्त में,
जिन्हें आप कंट्रोल कर रहे हो। और ये चीज़ें जो हैं, ये जो भी सिचुएशंस, लोग या ये जो भी चीज़ें हैं, डेथ कार्ड के यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, और इसके ऊपर ही है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको इस समय एडजस्ट करना पड़ेगा। किस वे में? कि जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, अपने आप को एडजस्ट कीजिए उस सिचुएशन में, इस चेंज में, ठीक है। जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उन्हें रिलीज़ होने दीजिए, जो चीज़ जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, उन्हें ख़त्म होने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। ओके, यहाँ पर आप उन चीज़ों को रोक रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, उन्हें एंड नहीं होने दे रहे हो। और इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में हुआ, बहुत ज़्यादा आपका फोकस पूरा इस वक्त में नेगेटिविटी पर ही है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस समय नेगेटिव हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी चीज़ के साथ, किसी पर्सन सिचुएशन के साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कह लीजिए, या बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से बंधे पड़े हो, ठीक है, जो आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं होने दे रहे। और आपको ये बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन, पर्सन या जो भी चीज़ है, ये आपकी लाइफ में आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, इसलिए ये सिचुएशंस बदल रही हैं, ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। और आपके लिए यहाँ पर भी ये जो कार्ड है ना, ये यही बता रहा है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवोल्व विदाउट मूवमेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जरा सी भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ पा रही हैं, कुछ भी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, आप जहाँ हो वहीं पर एक स्टकनेस सी आ गई है, तो माई डियर, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको इस चेंज को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में रिसीविंग मोड पर आने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है आपकी आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास क्या चीज़ें हैं जो आप बेवजह ढोते हुए चलते आ रहे हो, जिनकी यूज़ नहीं है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ है, ये कुछ पास्ट का आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, पास्ट की सिचुएशन, पास्ट का पर्सन भी कोई हो सकता है जिसे कि आप लेते हुए चल रहे हो, लेकिन ये अब पूरी तरीके से रिलीज़ होना चाहता है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव अटैचमेंट्स आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। और ये जो भी सिचुएशन है ना माय डियर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर आप अपनी तरफ से ये बोल रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में स्टक हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, तो या मैं नहीं निकल सकता, तो ये अप टू यू है, ये आप पर पूरा डिपेंडेंट है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो या नहीं निकलते हो। लाइक, ये जैसे कोई किसी को एक कोई बैड हैबिट, कोई एडिक्शन टाइप ऑफ ये मैसेज दिया जा रहा है, जैसे किसी को कोई एडिक्शन होती है। अब उसके लिए आपका अपने आप से दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है कि यस, मैं रेडी हूँ इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से, इस एडिक्शन को अपनी लाइफ से निकालने के लिए। जब तक आप वो अपने अंदर इच्छा शक्ति नहीं लेकर के आओगे, तब तक इस चीज़ से आप डिटैच नहीं हो सकते। डेविल का कार्ड है, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। टोटली नेगेटिव एनर्जीज हैं इसमें, टोटल नेगेटिव कार्ड है ये। कोई सिचुएशन, कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन, कोई भी चीज़, या फिर आपकी कोई सिचुएशन, आपका जॉब, या कुछ भी हो सकता है जिसे आप अभी भी ना पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं होने दे रहे हो। मे बी आप अपने आसपास की सिचुएशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये चीज़ अगर मेरी लाइफ से निकल गई तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा अपनी लाइफ में, या सर्वाइव करूँगी अपनी लाइफ में। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं है, ये वक्त अब एक्शन लेने का है। माय डियर, अपनी लाइफ से इस चीज़ को रिलीज़ करो। खासकर सबसे पहले अपने अपने थॉट्स को, अपने मन को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, छोड़ दो, बहते जाओ उस फ्लो में जिस तरफ डिवाइन आपको लेकर जा रहे हैं। किसी चीज़ को बांधो मत अपने साथ, पकड़ो मत उसके साथ, इन चेन्स को निकाल करके फेंक दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अदरवाइज़ ये आपको हर्ट ही करेंगी, ठीक है। यहाँ पर इस समय आप जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट होइए, स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट भी है, और यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। तो मेडिटेशंस के थ्रू ही आपको वो आंसर्स भी मिलेगी, वो स्ट्रेंथ भी मिलेगा,
ठीक है। और इन केस अगर आपका ये आंसर, आप कुछ क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि क्या ये चीज़ रुक सकती है, क्या हम इस चीज़ को थोड़ा सा बदल सकते हैं, क्या ये सिचुएशन या ये पर्सन मेरे साथ आगे जा सकता है, ये जो भी चीज़ रिलीज़ होना चाहती है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इसकी कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा एडजस्टमेंट कह लीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कह लीजिए डिवाइन के साथ या उस सिचुएशन में, आपको करना ही है। इस मूवमेंट को, इस सिचुएशन को रिलीज़ करो, ठीक है। ये जो भी चीज़ है इस वक्त, बस आपको डिवाइन पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, खुदा पर, जिस भी शक्ति में आप विश्वास रखते हो ना माय डियर, उसमें आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, उन पर आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते जाना है। सिर्फ एक यही चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से वो स्ट्रेंथ दे सकती है, वो पावर दे सकती है। ओके, तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इस वक्त में आपको सरेंडर कर देना है। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आप डाल सकते हो, ठीक है, वो डालिए, सिचुएशन को पकड़ो मत, ठीक है। अपने अंदर से सिचुएशन को रिलीज़ करो माय डियर। अगर आप किसी चीज़ के साथ अटैच्ड हो तो उन चेन्स को निकाल कर फेंको, ठीक है, और आगे बढ़ो। इन केस अगर ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, मेंटली फॉर्म में है, आपके हार्ट में, आपके माइंड में ये चीज़ स्टक है, तो माय डियर वो जो मैंने आपको लिख करके बोला हुआ है ना कि वाइट कलर की कैंडल को आपने जलाना है और एक पेपर पर लिखना है उस सिचुएशन को जिसे आप रिलीज़ करना चाहते हैं, और उसे बर्न कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी एशेज, उसकी राख है, उसे उड़ा दीजिए। ये सबसे इजी वे होता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार करने की चीज़ नहीं है, इसे आप तब तक दोहराते रहेंगे रोज़, जब तक कि आपको ना लगे कि आप इस बर्डन से मुक्त हो चुके हैं, आप इस सिचुएशन से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो इंटरनल लेवल पर है ना, तो इंटरनल लेवल पर अगर आप स्टक्ड हो, तो जब आप उसे रिलीज़ करोगे, फ्री होगे उस एनर्जी से, तो आपको खुद को फील होगा कि वो अब इफ़ेक्ट नहीं कर रही है आपको, राइट। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं। ओके, थोड़े से और देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये जो भी चीज़ है ना, ये आपकी ग्रोथ में, चाहे वो ग्रोथ आपकी करियर वाइज हो या फिर ओवरऑल एरिया हो आपका, ठीक है, उसमें ये जो चीज़ें हैं ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। आपको डिवाइन मदद करने आए हैं, आपको वो कर भी रहे हैं, लेकिन जब तक इस सिचुएशन को आप अपनी तरफ से रिलीज़ नहीं करते हो, आप अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक आपकी वो ग्रोथ रुकी हुई है, ये स्टक कर रही है उस सिचुएशन को, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको इस समय चूज़ करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। आपको इन बंधनों में बंधना है, इस नेगेटिविटी में इस नेगेटिविटी के अंदर बने रहना है, या फिर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, ये आप पर रहेगा। यस, ये सिचुएशन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आप अपने विशेज़ को फुलफ़िल करना चाहते हो, तो इस एनर्जीज़ को आपको रिलीज़ डेफिनेटली करना पड़ेगा, ये एक्शन आपको अपनी तरफ से लेना पड़ेगा माय डियर। यस, इस तरह से जगल करने का कोई फ़ायदा है नहीं, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। रिलीज़ करो इस सिचुएशन को जिसने आपको अभी तक बहुत हर्ट कर रखा है। मे बी आप उसे फिज़िकल फॉर्म में रिलीज़ कर चुके हो, लेकिन मेंटली और दिल में अभी वो चीज़ें हर्ट कर रही हैं। तो आपको सिचुएशन को पूरी तरीके से रिलीज़ करना है, और ये वक्त है, ठीक है। अगर आप इसको लेकर के अपने एफ़र्ट्स डालते हो, अपना 100% देते हो, तो विन विन आउटकम आपके लिए आ रहा है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आपको अपने एफ़र्ट्स डालने हैं, जो आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना है एटलीस्ट वो लीजिए, ठीक है। इस समय में आपके लिए बस मैं यही आपको आपके लिए रिक्वायर्ड है, मेडिटेट करिए, ईश्वर से कनेक्ट हुइए, यूनिवर्स से कनेक्ट हुइए। जितना उनसे कनेक्ट होंगे, आप बिल्कुल राइट डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे और राइट डायरेक्शन पर आगे आप बढ़ पाओगे, ठीक है। बस आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन कीजिए, बस दैट्स इट।
ठीक है। मेडिटेट कीजिए, कोई चैंटिंग्स अगर आपके लिए है, आप करते आए हो या आप वो कुछ करना चाहते हो तो वो कीजिए। थोड़ी देर ना साइलेंस में बैठो माय डियर, साइलेंस में बैठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड सी सिक्स ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं जो कि बता रही हैं ये चेंज तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर लिखा हुआ है। बस ये जो भी है, ये खींचातानी जो इस समय हो रही है ना, ये आपकी वजह से हो रही है क्योंकि आप पूरी तरीके से उसे रिलीज़ नहीं कर रहे हो। आप उसे उस बर्डन को ना लेकर के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन ये ईजी नहीं है, ये चेंज ईजी नहीं है, भले ही वो दर्द बना रहेगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आपको एक सक्सेस की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ कर जा रहा है। कहने का मतलब जब आप इस सिचुएशन से निकल रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें भी हर्ट दिल में रहेंगी कि हाँ कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है, लेकिन आगे जा करके आपको समझ में आएगा। उस वक्त में आपको नहीं समझ में आएगा, ये जिस समय आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस चेंज से गुजर रहे हैं, इस वक्त आपको उसकी ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई देंगी। वो तो आपको हर्ट ही करेगा कि ये क्या मेरी लाइफ में हो रहा है, मुझे ये शिफ्ट, ये चेंज मेरी लाइफ में आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, इवॉल्व होना चाहते हो, तो ये बिना इसके नहीं होगा। और ये आपको सुनने की इस वक्त में ज़रूरत है, और डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं, अपने इमोशंस को इस समय बैलेंस करके चलो, स्टक्ड मत रहो, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। अभी आपके लिए आगे ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इस सिचुएशन को रिलीज़ करो। अगेन वो कार्ड्स हैं और ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दी जा रही है विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स। मटीरियलिस्टिक अबंडेंस आपके लिए बहुत है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, इस ब्लॉकेज से बाहर आओ, प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट मतलब इसे रोको मत। काइंड ऑफ ये ना एक कोई सेकंड चांस है आपके लिए, ठीक है, मैं यही बोलूँगी। आपको दोबारा से चांस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, कि ये एक और आपको चांस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये वक्त आ गया है, अब वो फैसला ले लो, अब इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दो। ओके, तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।